लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों लोकल रूट्स जो होती हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, वो लोकल एरिया में यूज़ होती हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकल एरिया पे यूज्ड होती हैं केवल, ठीक है। इसका हमारे ब्लड से या फिर हमारी पूरी बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन से कोई कनेक्शन नहीं होता ज़्यादातर लोकल रूट्स का, ठीक है। तो पहला है इसमें टॉपिकल। अब टॉपिकल में क्या करते हैं, जो ड्रग होगी, ठीक है, उसको हम अप्लाई करेंगे टॉपिकली, टॉपिकली मतलब कि ऊपर की स्किन पे, ठीक है। तो इसमें हमारे हैं एग्जांपल्स कह सकते हो आप इन्हें, जैसे म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा में अप्लाई होती है वैनकोमाइसिन ड्रग, ठीक है, इनहेलेशन फॉर ब्रोंको एक्शन, ठीक है, हम इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल करने के बाद क्या होता है कि कोई ड्रग होती है जो हमारे ब्रोंकस में जाके एक्ट करती है टॉपिकली, ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टॉपिकली की, ठीक है। एग्जांपल है इसमें सालबुटामोल। थर्ड है यूरेथ्रल अप्लाई, ठीक है, ये यूरेथ्रल पे अप्लाई होती है टॉपिकली, ठीक है, इसमें एग्जांपल है लिडोकाइन का। इसके बाद सेकंड है डीपर टिश्यू। अब जब टॉपिकल में बात की थी तो हम मतलब ऊपर अप्लाई कर रहे थे टिश्यू के, जब डीपर टिश्यू की बात करें तो मतलब ये टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर लेकिन पूरे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगी ड्रग, केवल एक स्पेसिफिक एरिया पर रहेगी, ठीक है। तो बाय यूज़ ऑफ निडल और सिरिंज टू स्पेसिफिक एरिया डीपर टिश्यू। इसमें एग्जांपल है जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हमारा कहाँ लगाया जाता है, नी में लगाया जाता है। इसमें कौन सी ड्रग या कौन सा केमिकल यूज़ होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोकोर्टिजोन एसीटेट। हाइड्रोकोर्टिजोन एसीटेट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं नी में, ठीक है। तो उसका एक्शन केवल नी में रहेगा, उसका एक्शन पूरे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। ऐसे ही दूसरा है इसमें रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। जो रेट्रोबल्बर इंजेक्शन है ये हमारा लगाया जाता है बिहाइंड द आई बॉल। इसमें भी हाइड्रोकोर्टिजोन एसीटेट का इंजेक्शन लगाया जाएगा लेकिन बिहाइंड द आई बॉल, ठीक। तो उसका पूरा फुल ब्लड सर्कुलेशन से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। थर्ड है इसमें आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, तो उनको इन्फ्यूज़ करा जाता है फेमरल या फिर ब्रैंकियल आर्टरी के साथ, ठीक है। जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उनको फेमरल आर्टरी में दिया जाता है, तो वो भी हमारी एक तरीके से लोकल रूट्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि भाई अब यहाँ पे आर्टरी में क्यों दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही स्पेसिफिक जगह पे, जैसे फेमरल आर्टरी कहाँ होती है, हमारी नीचे के लिम्स में यूज्ड होती है, हमारे लेग्स में। तो जो ड्रग है वो हमारी केवल लेग्स में ही एक्ट करेगी, उसी तरह जो ब्रैंकियल आर्टरी में दिया जाएगा वो हमारे अपर बॉडी में एक्ट करेगी केवल, एंटी कैंसर ड्रग।